जैसे ही 19 मई की शाम को 6 बजे लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हुई, सभी न्यूज चैनलों पर एग्जिट पोल्स की होड़ लग गई। सभी बड़े छोटे चैनल अपने अपने आंकड़ों के साथ सामने नजर आए। सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी को पूर्ण तरीके से बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ ही विपक्षी दलों ने सभी एग्जिट पोल्स को नकारना शुरू कर दिया है। सभी विपक्षी दलों ने एक सुर में इन एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता पे सवाल उठाने शुरू कर दिए। चुनाव के बाद एग्जिट पोल्स का आना एक सामान्य सी बात हो गई। सभी चैनल अपने पोल को सबसे सटीक बताते हुए उन पर बहस करने लग जाते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव के माहौल को देखते हुए इन एग्जिट पोल्स पे लोगों की नज़र ज़्यादा टिकी हुई है। नतीजों से पहले बात करने के लिए लोगों को मिलने वाले मसाले से कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हैं ये एग्जिट पोल्स। उसके साथ ही इनके अनुमान कम ही सही निकलते हैं, लेकिन उसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इन पोल्स की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि एक चैनल के द्वारा ट्वीट किए गए ऐसे ही एक एग्जिट पोल में उत्तराखंड राज्य में सभी पार्टियों को मिले वोट परसेंटेज का आंकड़ा दिखाया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी को 2.9% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया, लेकिन आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया है। उसके बाद उस चैनल ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन ये वाक्या इस बात की तरफ जरूर इशारा कर गया कि नतीजों से पहले नतीजों का सटीक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। जबकि 23 मई को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, इसलिए अब तक एग्जिट पोल्स के इस मसाले से ही आप काम चला लीजिए। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।